हेलो, आप कैसे हो? जब मैं पिछली दफा डेरा भुक्ती गया था तो मुझे ये एहसास था कि इतना आसान काम नहीं होगा, लेकिन जब वहाँ मैं पहुँच के लोगों की एहसास से महरूमी को देखा कि गुर्बत से बढ़कर जो ये लोग जिनके लिम्स उड़ गई थी, आज़ाद उड़ चुके थे, उन लोगों की एहसास से महरूमी को देखा तो मुझे शायद ये लगा कि ये बात जो है ना मेरी ड्यूटी से आगे बढ़ चुकी है। तो फिर हम अपनी पीपॉस एक टीम पेशावर से लेके गए थे जिन्होंने वहाँ मौके पर लोगों के साइज लिए, और साइज लेने के बाद 2 महीने के बाद जब वो लिम्स दोबारा जाके हम लोगों को लगाई, यकीन जानिए जब वो 100 लोग वहाँ पर वॉक कर रहे थे और उनकी जो वॉक का जो तरीका था, मुझे ऐसे लगा कि शायद मैंने जो अपनी ज़िंदगी का मकसद है वो बैतुल माल में आने के बाद और इमरान खान का जो हकीकी मदीने की रियासत ख्वाब है उसको तकमील होते उस दिन देखा था। ये विजन है कि पाकिस्तान के अंदर एक इंसानियत का निज़ाम हो, एक रहम हो, हमारे में एहसास हो कि एक इंसानी माशरे में कई लोग ऊपर चले जाते हैं, कईयों के अल्लाह ने नहीं सलाहियत दी होती ऊपर आने की, तो रियासत की जिम्मेदारी होती है कि उनको उनकी हम मदद करें, हम उनको ऊपर लेके आए, उनके लिए एक माहौल पैदा करें कि उनकी ज़िंदगियां बेहतर हम करें, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। दरअसल मेरा नाम यार मोहम्मद है, हम यहाँ ज़िले डरबुक के रिहायश बंदे हैं। तो हम ये मेरे बहन का जो पाँव कट गया ना, ये बम ब्लास्टिक की वजह से कट गया था, तो इधर से इनका पाँव कट गया है। जो जो हमसे हो सका था ना, वो हमने इलाज थोड़ा कुछ किया था, बेहतर हो गया था, लेकिन इतना ज़्यादा हमारे पास इलाज के लिए कोई ऐसे ज़राए नहीं था। बेसिकली है हुआ यही था कि जो इधर मतलब जो एटमॉस्फेयर था पूरा घर ढालू हो गया था, जो इस पर असर हुआ था, इसके पाँव पर असर हुआ था। तो हमने तकरीबन 3-4 साल ये पंजाब ले गए रहीम यार खान साहब के बाद, इनका ट्रीटमेंट करवाया, थोड़ी बहुत इसमें मतलब फ़र्क आ गई होगी। अभी पाकिस्तान बैतुल माल के वो आगे हैं तो उन्होंने ये हमारे वो पैर दूसरे दे दिए, ठीक है ना, वो लगाए, वो प्रैक्टिस भी करवाते थे, ठीक है ना, 4-5 दिन पहले वो प्रैक्टिस करवाते थे, उसकी वजह से अभी बेहतर हो गया और चलने के लिए भी इसमें आसानी पैदा हो गई। बीमारी तो देखे ना एक अल्लाह पाक की तरफ से देन होती है ना, लेकिन बंदे को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चल रहा हूँ आज भी, दम टूटा नहीं है अभी, कल भी परेशानियां थी, आज भी मुश्किलें हैं, लेकिन मैं हारा नहीं हूं अभी। आज अंधेरा है तो कल सवेरा भी होगा, आज धूप है तो कल छांव भी होगी। मायूस ना होना उस शख्स से कभी जो तुम्हारे अंदर बसता है, आजमाओ तो सही।